नमस्कार बच्चों, आज का ये हमारा वीडियो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की यूनिट 3 परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार से बनाया जा रहा है। वीडियो देखने से पहले यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा नया प्रश्न है, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है स्पष्ट कीजिए। प्रश्न फिर से सुनिए, जो दूरदर्शन है वो संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है स्पष्ट कीजिए। आइए अब हम देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, संचार के बहुत सारे साधन दूसरे भी है, पर जो दूरदर्शन है वो संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम क्यों है? इसका सबसे बड़ा एक इसकी विशेषता ये है कि नंबर एक, दूरदर्शन जो है उसके द्वारा देश विदेश के समाचार तथा मौसम संबंधी जानकारी दिखाई जाती है। दूरदर्शन के द्वारा क्या किया जाता है? दूरदर्शन के द्वारा देश विदेश के समाचार तथा मौसम संबंधी जानकारी दिखाई जाती है। आप बोलेंगे सभी संचार के साधनों में दिखाई देते हैं, तो दूसरा एक और पॉइंट है इसका, इससे इसकी भूमिका बढ़ जाती है कि जो दूरदर्शन है उस पर ऐसे कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ विद्यार्थी को पढ़ने में मदद भी करते हैं। दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम भी बताए जाते हैं या दिखाए जाते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ विद्यार्थी को पढ़ने में मदद करते हैं। दो पॉइंट हो चुके हैं आपके। पहला पॉइंट क्या था? दूरदर्शन के द्वारा देश विदेश के समाचार तथा मौसम संबंधी जानकारी दिखाई जाती है। दूसरा, इस पर ऐसे कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं जो विद्यार्थी के मनोरंजन के साथ साथ उन्हें पढ़ने में मदद भी करते हैं। तीसरा पॉइंट बताते हैं हम, जो दूरदर्शन है वो प्रसारण का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। क्या है? दूरदर्शन प्रसारण का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। नंबर चार है, यहां राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में अपनी भूमिका निभाता है। जो दूरदर्शन है वो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में अपनी भूमिका भी निभाता है। जैसा कि आपने देखा ही है कि इस पे संपूर्ण देश के लिए जो हित के कार्यक्रम आते हैं तो ये राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखता है, जैसे रामायण आती थी, है ना। तो इस प्रकार जो दूरदर्शन है वो संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है। तो क्या क्या जाना हमने कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम क्यों है? तो हमने देखा कि दूरदर्शन के द्वारा देश विदेश के समाचार मौसम संबंधी जानकारी दिखाई जाती है, इस पर ऐसे कार्यक्रम भी बताए जाते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ विद्यार्थी को पढ़ने में मदद करते हैं। नंबर तीन, यहाँ राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और नंबर चार है, दूरदर्शन प्रसारण का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है। अतः स्पष्ट है कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है। अब आपको मेरे साथ बोलना है, मैं प्रश्न बोलूंगा एक बार, फिर उसके बाद में उसका उत्तर आपको मेरे साथ दोहराना है। क्या है प्रश्न हमारा? कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे आंसर, निम्न कारणों से दूरदर्शन संचार का उपयुक्त माध्यम है। नंबर एक है, दूरदर्शन के द्वारा देश विदेश के समाचार तथा मौसम संबंधी जानकारी दिखाई जाती है। और दूसरा पॉइंट है क्या है? इस पर ऐसे कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ विद्यार्थी को पढ़ने में मदद भी करते हैं। नंबर तीन है, यहाँ राष्ट्र को
एकता के सूत्र में बांधे रखने में अपनी भूमिका निभाता है। और नंबर चार है, दूरदर्शन प्रसारण का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है। और अंत में आप ये लिख देना, अतः स्पष्ट है कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।